आपने एक काम करो और वो काम ये है कि कमल के निशान पर वोट डालो और हम उनको धोड़ेंगे भी और जेल में डालेंगे भी, ये भी आप ध्यान रखें। लेकिन मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। सारी बातें सुकांत मजुमदार जी ने आपको बता दी है, सारी बातें आपको सुदेंदु अधिकारी जी ने बता दी है। केंद्र पैसा भेजता है और आपके यहां भ्रष्टाचार होता है। बोलो, टोलाबाजी होती है कि नहीं होती है? बोलो, आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अनाज की चोरी की है कि नहीं की है? आपने गरीबों को अनाज पहुंचाने में भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे में घोटाला किया है कि नहीं किया है? आपने सौभाग्य योजना में घोटाला किया है कि नहीं किया है? आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला किया है कि नहीं किया है? और जब आपकी इंक्वायरी होती है तो दीदी आप तिलमिला जाती हो, बोलते हो मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार ईमानदार सरकार, आपकी सरकार बेईमान सरकार, इस बात को आपको समझना होगा। ये जो जंगल राज यहां चल रहा है, दीदी को सुबुद्धि दे, उनके पास अभी मौका है, वो ठीक करें, और अगर ठीक नहीं करेंगे तो ये जनता सबको सबक सिखाना जानती है और ये जनता आपको भी सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाएगी, ये मेरा विश्वास है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी सारे देश में आगे बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान सबकी चिंता हो रही है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जब मैं बंगाल की बात करता हूं तो मैं आयुष्मान भारत यहां खड़ा करना चाहता हूं, गरीब लोगों को मुफ्त इलाज हो उसकी चिंता करना चाहती है। लेकिन दीदी बोलती है होवे नॉय, होवे नॉय, होवे नॉय, करना नहीं। आप बोलो ऐसी चीज रहनी चाहिए क्या? यहां आयुष्मान भारत लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीबों का इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीबों को मुफ्त इलाज करने के लिए उनकी ऑपरेशन की सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके रास्ते में जो रोड़ा अटका है उनको घर बैठाना चाहिए कि नहीं बैठाना चाहिए? बैठाना चाहिए कि नहीं बैठाना चाहिए? तो उनको घर बैठाओ और यहां के लोगों को काम दो और बंगाल को आगे बढ़ाओ, सारे देश के साथ आगे ले जाओ, यही मैं निवेदन करने आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। এছাড়াও আশুতোষ প্রাল, প্রাক্তন সভাপতি স্বপন দাম, মনোজ বিশ্বাস, আরাধন বিশ্বাস, প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণ নন্দী, সিদ্ধার্থ নস্কর, সোনালী মুর্মু আমাদের স্টেট সেক্রেটারি আছেন, সোনালীদিকে জোহার জানিয়ে জোরে হাততালি দিয়ে আপনারা স্বাগত জানাবেন। আরো দুই জেলার সভাপতি আছেন, পাশের জেলা উত্তর দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ। भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल में डाल करके ही हम चैन लेंगे, ये बात हमने कही। अभी देखो, अगर सुदेंदु अधिकारी को जज के माध्यम से राहत मिलती है और जज ये कहता है कि सुदेंदु अधिकारी को गलत तंग किया जा रहा है, तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और जुडिशरी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अगर तुम्हारी इंक्वायरी प्रधानमंत्री आवास योजना में हो जाती है तो आप गुस्सा कर जाती हैं और आप बोलती हैं कि हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अगर आपकी इंक्वायरी मनरेगा में किसानों के पैसे को खाने पर होती है तो आपको चिंता हो जाती है। आप बताइए, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिक यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ध्वस्त है कि नहीं है? आप बताइए, कानून व्यवस्था चरमरा गई है कि नहीं है?
आप बताइए टोलाबाजी हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बोलिए तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी चल रही है कि नहीं चल रही है? इसको रोकना है कि नहीं रोकना है? मित्रों, इसका रास्ता एक ही है और वो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। बताओ यहां जब लोकसभा का चुनाव होगा कृष्णानगर में कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? आपको पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया? गैस का सिलेंडर पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया? लेकिन मित्रों, मुझे दो तीन बातें बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है कि यहां आवास योजना का पैसा भी खा लिया गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां शौचालय का पैसा भी खा लिया गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मनरेगा में भी यहां भ्रष्टाचार हुआ है। ये क्या है? ये बंगाल की हालत क्या बना रखी है दीदी आपने? अभी बता रहे थे सुकांत मजुमदार जी, बोल रहे थे कि गोरू खा गए, बालूर खा गए, कोयला खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं खाने से, और शौचालय की भी बात कर रहे थे। ये आपके बांग्ला भाषा में ये क्या क्या बोल रहे थे वो भी मैंने सुना। कैसी हालत ला करके खड़ी कर दी है? पैसा भेजे मोदी जी, पैसा भेजे मोदी जी, और यहां तुम घोटाला कर लो, और जब तुम्हारी इंक्वायरी हो तो बोलो कि भारत सरकार मेरी दुश्मन है। चोरी भी करनी और सीना चोरी भी करनी, चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे। अभी अभी सुधेंदु अधिकारी जी कह रहे थे धोरो धोरो चोर के धोरो, जेल में भरो। मित्रों, कमल के वोट पर निशान लगाओ, धौर भी देंगे, जेल में डाल भी देंगे, याद रखना। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इकॉनमी होते थे। लेकिन आज जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है, जब यूक्रेन की लड़ाई दुनिया को सप्लाई चेन में तंग कर रही है, तो भारत, जिस देश ने हमको 200 साल राज किया ब्रिटेन, उसको पिछाड़ करके पांचवी नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। आप बताइए, एक समय में आप कहते थे ये जापान की गाड़ी है, ये टोयोटा है, ये डैटसन है, ये जापान का काम कैमरा है। आप कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? आज भारत गाड़ी बनाने में, कार बनाने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पिछाड़ करके तीसरे नंबर का देश हो गया है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। अब हमसे आगे सिर्फ दो देश हैं, अमेरिका और चाइना, और उसके बाद भारत है जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बना रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत सबसे आगे निकल रहा है। यह बदलती तस्वीर है और इसी तरीके से देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी अभी शुभेंदु अधिकारी जी आपसे चर्चा कर रहे थे कि हमने शौचालय दिया, हमने आवास दिया, हमने गैस का कनेक्शन दिया, हमने गांव में बिजली पहुंचाई। मित्रों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैं 1993 में एमएलए बना था, 1993 में, उस समय मेरा बीडीओ आकर के कहता था कि एक दो पंचायत में आपको एक इंदिरा आवास योजना मिला है, एक इंदिरा आवास योजना, बताओ कहां दूं? और मैं बोलता था कि अगर दो पंचायतों में एक घर मिला है इंदिरा आवास का, तो तू ही रख ले अपने पास, मैं किसको दूंगा? यहां 100 बीमार हैं और एक अनार है, क्या किया जा सकता है? लेकिन आज मोदी जी के राज में 3,60,00,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बना करके दुनिया को दी गए हैं, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हम जाते थे सड़क बनाने के लिए, हमारा बजट साल भर का होता था 2 करोड़, मेरी सड़कें होती थी 40, कहां डालेंगे इस पैसे को? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में एक एक सड़क पर
5-5 करोड़ रुपए आया और हमारी सारी सड़कें बनकर के तैयार हुई, गांव में सड़क पहुंची, सभी मौसम में चलने वाली सड़क पहुंची, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।